फिर से स्वागत बाय कार्यक्रम बिरहा दंगल में। बिंदु जी, भैया लाल जी तो बड़ा कस हसौलन है, अब रउओ तनी लहकाई। एकरा बदे आप चिंता मत करी, शुरू हो जाए। आप लोग ये हमारे भैया लाल भैया कोर से बड़ा सुंदर हास रस कबीर आया आप लोग इधर से सुने की मिलल आएगो हमरे ओर से बिरात हो खबे करियो करा पहले ये हमारे मास्टर कुछ गीत का संकेत करत हुन। बाबा बाबा कैसे कौन गीत है मास्टर? ये भैया लाल आप बदे कबो चलिया मोर निहारे कबो चलिया मोर निहारे कबो देख के सेटी मारे कबो चलिया मोर निहारे कबो देख के सेटी मारे आई तक से प्यार हो गईल हाई हाई के हरे तक कहला कि तोहरा से प्यार हो गईल हाई बनरा जवानी पे बीमार हो गईल हाई बनरा जवानी पे बीमार हो गईल हाई। इधर देख ला आजा मास्टर। ए पहलवान रियाज बना के सही रहा। हर तब समरिया रे गोइया हो रहा हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एगो बिरहा हमरा ओर से भी हम पेश करे जाता नहीं जो ने बिरहा के ये हमरे बिरहा मेन कहानी सती के कहानी बा अब भगवान और भक्त के परीक्षा बा। भूमिका क्लाइंस मास्टर धर्म के धूरी पे धरती टिकी है बाबा कर्म से कर्म की उमड़ती हरे खा जहां जो जैसा किया वह तो ऐसा ही पाया अंधेरे में अंधा भी चंदन को देखा बात सतयुग की है सत्यता से भरी आसमा भी कहर कर रहा आरती है जहां जन्म लेने को देवता भीतर से वही देवता तुल्य हर भारती है। बहुत अच्छे क्या बात है। बाबूजी कहानी के हमरे एजा से शुरुआत भइल उ कहानी कौना समय की बा ए धरती पर जे भी आइल बा एक दिन सबके जाए के बा कोई शाम कोई सुबह लेकिन समय समय से जे जैसन है धरती पर कई के जाई वैसन नाम गावल जाली। कहना बा गुरु जी संकेत कैलन कहना के अनुसार का कि जाएगा या कर तो जाएगा या कर सुबह वो कभी शाम चला जाएगा या कर सुबह वो कभी शाम चला जाएगा या कर सुबह वो कभी शाम चला अरे तब जाएगा या करीब सुबह वो कभी शाम चला शाम चला शाम चला
किया है काम जैसा, किया है काम जैसा जग में वैसा नाम चला, किया है काम जैसा जग में वैसा नाम चला, किया है काम जैसा जग में वैसा। यही जब रहा कहानी शुरुआत भइल सर के अंदाज बा। कमाईयो है दुनिया वाले जो कमाते हैं, कमाईयो है दुनिया वाले जो कमाते हैं, एक को छोड़ दूसरे को लेके जाते हैं, जाए जो साथ में उसी को समझो अपना है, जाए जो साथ में उसी को समझो अपना है, बाकी संसार का तो सुख भी सिर्फ सपना है। बहुत अच्छे। एक बनिया था जिसका नाम यमराज रहा, एक बनिया था जिसका नाम यमराज रहा, बेचता तेज पात धनिया काम काज रहा, लेकिन बिना एक पुत्र के माया के महल खाली था, बिना एक पुत्र के माया के महल खाली था, फूल की चाह में चिंतित बिचारा माली था। कहानी के समझ ले जाए बाबूजी। एगो बनिया जेकर नाम बतावल गई अम्बराज, अम्बराज का चौथा पनिया गई, उनके दुल्हन के गोद से एको गो लड़की लड़का पैदा ना भइलन। जब चौथा पनिया गल बा, उनकर धंधा यह रहल, दुकान दौरी वाला से धंधा रहल, 3 रुपया का सौदा लगावे तो 13 रुपया में फायदा उठावे, कमा के धन दौलत बहुत आजाद कर देलन, लेकिन ओ धन दौलत का रखवारी करे वाला कोई घर में ना बा। जब चौथा पनिया आई, आखिरकार सेठाइन जी के एक दिन दिल में उमंग उठल बा, बुला के सेठ जी के कली स्वामी जी इतना धन दौलत जुटा लेला, लेकिन तोरा कोनो ख्याल ना आवत था कि धन दौलत के करा सहारे लगी, आखिरकार मर्दा कल का करी तब बतावा, कली के को काम करा, पूजा पाठ करा, दान पुण करा, जरूर शायद भगवान बूझ दे। इतना जब बतिया के सुनलन तो उस समय कैलन का दुल्हन और एगो बात कह था टेरिक लाइन बा, अरे तिजोरी पिंडा पानी ना देई, अरे तिजोरी पिंडा पानी ना देई, अबन के साहू पिया मत करा सामने चोरी, हर तब चोरी। बहुत अच्छे। समझावे लगल सैया जी, साहू हुआ ना, लेकिन साहू हो के सामने भी चोरी कर लेत हुआ, यही से भगवान ना खुश हुआ। आखिरकार मर्दा पूजन करे लगलन, जब पूजन कैलन तब का भइल कड़ी, अरे पुत्र है तू है बान मड़िक, पुत्र है तू है बान मड़िक, भगवान का करने लगा भजन, रिझा लिया है धर्मराज को अम्बराज कर सही लगन, खिला फूल भर गई गोद मन मुदित हुआ गुलजार चमन। आखिरकार सेठ जी जमुना समय पूजन पाठ शुरुआत कर देलन, कुछ दिन का समय बीतल, आखिर सेठाइन जी के गर्भ रह गई, जब गर्भ रह गई सेठ जी बड़ा खुश हुआ, दिल गदगद बा, आखिरकार समय बीतल, रानी के गोद से गो लड़का पैदा भइलन, जब बड़ा सुघर लड़का चौथापन में पैदा भइलन, बड़ी खुशी बा, उतने खुशी मतारी को उतने खुशी बाबूजी के, घर गांव अड़ोस पड़ोस के सखी लोग जुट के सोहर गावत हैं। कैसे सोहर गावत हैं मास्टर? माता बहिन लोग गावेलिन कि केहर से आवेला सिनोरामा, सिनोरामा भरल से दूर हो आवा, केहर से आवे ली पियरिया अचरिया लागल झालर हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ई त माता बहिन लोग गावेलिन, एगो उ गावेलन, अगर गुरुजी का आदेश हो तो हम सुना देई। सुना दा। उ गावेलन कि जेकर न नारिन में गिनती होले न मर्दे में, ठेठ भाषा में लोग कहेलन हिजड़ा, अभी आजमगढ़ बिहार के लोग कहेलन छक्का। उ गावेलन कैसे गावेलन, उ लोग का रूप का रहेला, तीन तीन का जोड़वा बना लिया, पता लगावत रही केकरा घर में लड़का भइल बा,
अगर सही सलामत पता चल गई एगो बजवैया बन जाए एगो गठरिया डोए वाला एगो गावे वाला तीनों चल दी हंसो देखिया गेटवा बंद बादूरे से आवाज लगी हम इहे कहे लंसो अरे काये मलिकार हे गेटवा खोली ना जी आ गई बाड़ी जब गेटवा खुल जाई अंगनैया में चल रही हम जब अंगनैया में घुसिया तो पहलका वाला गावे लगी का गई मास्टर कि सोहर गवात बाया गनामा हो दुआरे हे परबा जनमा न हो अरे मोरे ललना रे अरे मोरे ललना रे नेगा पामे आना धनारा तनामा हो गोदी में भगा मान ये हो मोरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे नहीं 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 सरका वाला गई संत सेवक भी प्रहपारा जुनिया ना हुआ ना उनिया ना हो अरे मोरे ललना रे अरे मोरे ललना रे नेगा पामे आना धनारा तनामा हो गोदी में भागा वाना नहीं हो मोरे समय भगवान सोचे लगलन कि आज इस सेठ जी के परिवार में तीनों जनी इतना भक्ति करत हुमन आज हम परीक्षा लेवे चलब आ देखी आज परीक्षा में हम जौन मांग दहीला देखी सेठ जी दे दिलन कि ना अगर दे दी हम तो समझ जब कि भक्ति में पास हो गईलन आखिरकार भगवान शरीर में लगोटी लेकर साथ में दुगो कुत्ता लियलन लगा के सरसा कमंडल उठौलन लेके चल दिलन जौना समय बनिया के दरबार में अइलन आ के दरवाजे पर ऐलान कर अलख निरंजन का आवाज लगौलन अरे अलख निरंजन सेठ जी दौड़ के बाहर अइलन अरे बैठा बाबा खाना उना खा लिया तो जइहा बाबा कहलन कि खाना तो खैबे कर बेटा शरीर में लगोटी बा भूख लगल दुगो रोटी खिला देबा और का खिलैबा कहलन कि ना बाबा एकरा बदे मत सोची जवन कुछ आप खइय तो खिला देब इतना बतिया कि जब सुनलन है बाबा तो कहलन कि अगर बेटा खियावल चाहत हुआ तो हमें एक ही चीज़ खिया दा कहला ऊ का कहे कि तोरा घर में एक ही गो लड़का बा वही लड़का का हमें कलेजा चाहिए वही लड़का का कलेजा खिया दा और शर्त यह रही कि दोनों प्राणी मिल के वो बेटवा के बीच सिर पर से आरा चली और दोनों जानी के धर सिर अलग करे के बा कलेजा निकाल के हमें खियबा असर तो यह बा कि दोनों जानी के आँखी से आंसू न आवे के चाहिए जब इतना बतिया के सुनल सेठ जी थुथुन लटका के अंदर गईल सेठाइन देखली कली का हो कैसन बड़ा खुशी में गईला है आ काहे थुथुन लटका लेला सेठ जी कहला कि रानी एगो बात के सुनला कली का कलन कि हम सोचली कि घड़बा जो आइल बा जौन कुछ खाई खिया देव लेकिन हमरे लाल के मांग लेलस जब इतना बतिया के सुनलस दुल्ही कलस की बड़ा दिन ताना सहली खबरदार हमारे लड़का के विषय में कोई चर्चा मत करिहा इतने ना सेठ जी समझावत हुमन लेकिन सेठाइन समझावत हैं कि ना लड़का ना देव करा बदले कुछ दे दा का दे दा यह एक लाइन गीत बा चानी सुनवन तैदा हो स्वामी चानी सुनवा दैदा हो राजा मानी जा कहनवा चानी सुनवा दैदा हो राजा मानी जा कहनवा चानी सुनवा दुल्हन समझावे लगली स्वामी जी चानी सोना धन दौलत औरी उठा के बाबा के देता हमें कोनो तकलीफ ना बा लेकिन हम अपने बेटा के नाही देब जब इतना बतिया के कहलिन दोनों जानी
भीतर पयान करे लगलन, दोनों जानी मन सौदा बनावे लगलन। तब भैल का दुल्हन समझावत है विदेशिया लाइन बाब कि पुत्र से प्यार कोनो हाय दुनिया में अच्छी जानाई, और कैसे के बुझाई अपने कुल के रोशनिया। बहुत अच्छे। एक और भिखारी द्वारे भिखिया के मांगी लिहल, कहिए से दहीन से पाए होई जाई है जोगिनिया। आय हाय हाय स्वामी जी, मरत समझावत हूँ कि अगर ना ही देत हूँ बेटा के ना देवू बाबा के पुण्य से मिलल हूँ, अगर ना ही देत हूँ कोनो भल अनभल न हो जाई तो तोहके का फायदा मिली। लेकिन तब तक हाई देखें कि इतना बिचार साहू सहुआ इनका रता रहल, तब ले लाल आई गईल गावत के भजनिया। इतना विचार दोनों जानी बनावत रहलन, तब तक छोटा मुन्ना राम राम करत के आ गईलन। देखलन कि केवाड़ी बंद बा, वो केवाड़ी में छिप के सारी बात के सुने लगलन। जब बात के सुन गईलन जान गईल लड़का क्या मम्मी केवाड़ी के खोल दिहन, आवाज दलन का है मम्मी खबरदार केवाड़ी के खोल दा दरवाजा खोल दा मम्मी। जब मम्मी इतना बात के सुननी कली, अरे बेटा चलो तुम्हारा भी खेलने का वक्त है बेटा, चलो खेलो, जब तुम्हारा समय आएगी तो मैं बुला लूंगी। आय हाय हाय। लेकिन बेटवा नाम लस हट फन गई, जब हट फनलस केवाड़ी खुल गई। जब केवाड़ी खुलल मतारी से रो रो के समझावे लगल कि माई अपने धर्म के मत तोड़ा, हमें खुशी बा उघर बाबा के काट के खिया दा। आखिरकार देखें भैल का वे गीत का अंदाज बा, मतारी समझावत का मानत रही स्वामी जी। जे के हम मनली सैया अपना करे जावा हो, जे के हम मनली सैया अपन करे जावा हो, अपने बुढ़ाइया के जान हो। मनली सैया अपन करे जावा हो। बहुत अच्छे। खुनवा में लागल कैसे देखवा का पाड़ावा हो, खुनवा में लागल कैसे देखवा का पाड़ावा हो। स्वामी जी आज ए लड़का का अलग कह देवा, लेकिन खून में लथपथ कैसे के मुन्ना का कपड़ा देखवा, कैसे मुन्ना का सूरत देखवा। स्वामी जी दुल्हन समझावत हो का के माँ हो रखिया दा सैया हमके मुआ दा सैया, माँ हो रखिया दा सैया हमके मुआ दा सैया। हमके ए बेटवा से पहले स्वामी जी मुआ दा, हम अपने लाल का अपने बेटा के दर्द ना बुझ पाई, ना सह पाई, ना बर्दाश्त हो पाई। स्वामी जी ऐसे नीक बेटा से पहले हम चल जाए तो ठीक रही। आखिरकार इतना बतिया कि जब सेठ जी सुनलन तो कहे लगलन का कहलन पपट का लाइन बछोड़ा हर करपुर शीघ्र दिल ठानी दोनों प्राणियों, अब बना लिए पत्थर आंखों का पानी दोनों प्राणियों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मुझे दिया है लाल धर्म में उसे लगाएंगे, एक दिन मर जाना है सपने का दीप जलाएंगे, अरे तब पुण्य किया न होई लाल के हानि दोनों प्राणियों। अकर्म निज द्वार पे मैं हमानी दोनों प्राणियों। दुल्हन से समझावे लगलन दुल्हन मान जा ई पुण्य से तो है, पुण्य कैले से लाल दिले हुआ मालिक उन्हीं के लगा दा, काहे के पुण्य कैले हमरे बेटा का हमरे लाल का कोनो हानि ना हुई। आखिरकार
दुल्हन समझावे लगल सजावे लगल अपने मुन्ना के कैसे सजावत हो आला कलाई बा। हाय राम कि जैसे सजावे साधू अरे जैसे सजावे सारी दुनिया दूल्हा के बाबू वैसे छोटा बाबू वाके दियाले सजाया आँखी में कजार मायो टीक माथमा पे पंचो बहुत अच्छे हाथमा में दिया ले मिठाई आयो तमाया पीछे भैल साहू आगे भैल साहू आई न दादा बेटा वा कसार दोनों दिया बाबूजी आरा सर पे रख गई बा पीछे साहू जी बहलन आगे सहुआइन ए बदे की पिता से बढ़कर माता का दर्जा होता है बाबू मतारी सामने खड़ी होके आरा पकड़ ले बा बेटवा का सूरत निहारत हो आरा चले लगल जब आरा से पूरा बेटा का बदन अलग अलग हो गई दोनों तब का भइल कि कोमला सुगाना के कोमल बाकर जवा बाबू थोड़ी देखियो गड़ पापा गईले घर माया कोमल छोटा मुन्ना का खून में लतपताया हुआ छोटा कलेजा था मतारी बाप बेटवा का कलेजा निकाल के थाली में सजा के लेके गईलन ला बाबा भोजन के करला बाबा परीक्षा लेत रलन कलन के आ बेटा ई भोजन हम नहीं करब थोड़ी सा लियल हुआ ई थोड़ी सा के भोजन करी कहत हुअन के हाथी के मुँह में लवांगी के घोटे ई हम हाथी के मुँह में थोड़ी सा भोजन करब ए बाबू भैल का आखिरी बात अरे तब भगति में अरे तमती जा द्वारे से उजाड़ के धर्म का बगिया चढ़ पकड़ नारी बोली सैया जिन देर लगावा काट के गर्दन हमार बाबा जी के भूख मिटावा अरे तजागी संत सेवा में मोर जीवन कमगिया अमति जा द्वारे से उजड़ के धर्म के बगिया दुल्हन हाथ जोड़ के खड़ी हो गई बाबा फटकार के गुस्सा के चल लेलन हई अपन कलेजा के रखला अब हम भोजन नहीं करब अब जात हई आय हाय हाय स्वामी जी का चढ़ पकड़ लस दुल्हन स्वामी जी एगो बात के मानला हमार लड़का जैसे ना बा हम भी ना रही लेकिन हमरो सीना में खंजर मार के हमरो कलेजा निकाल के बाबा के भूख मिटा दा इतने ना सेठ जी तलवार उठौलन दुल्हन के सीने में खंजर मार के दुल्हन का कलेजा निकाल के बेटवा कलेजा दोनों जानिक सजा के लेके गईलन तब वो बाबा के थोड़ी सा कम पड़ गई कलन ला बाबा भोजन कर कलन के भी बेटा थोड़ी सा कम पड़त हो जब इतना बतिया के सुनलन फिर गुसिया के चललन त सेठ जी कहलन का चरण पकड़ बनिया बोला बाबा जी धरिए धीर अरे तब काट के अर्पण कर दूंगा ऐसे में अपना सिर अरे तब उठा लिया तलवार हाथ में तुर तय जोगिया अमति जा द्वारे से उजाड़ी के धर्म के बगिया सेठ जी जब इतना बात के सुनलन कलम बाबा जी एक मिनट मान जा हम अपने तलवार से अपने हाथ से अपने गर्दन के अलग कर देते हैं बाबा मेरे सीने में खंजर मार करके मेरा भी कलेजा निकाल करके खा जाइएगा
तब तो नहीं कहिएगा कम है, नहीं तो मेरे भक्ति में कलंक लग जाएगा बाबा। आय हाय हाय, इतना बतिया कि जब सुल्लन उठा के जब वही तलवार सेठ जी अपने गर्दन पे मारल चलन, तब पीछे से धर्मराज जी अपने रूप में आके कलन की, आ सेठ जी हमके बूझला बेटा, पहले नजर खोल के देखला। जब देखलन तो कलन के, अरे बाबा, अरे स्वामी जी, अरे प्रभु, हम ना जनतल की आप हैं। लेकिन इतना सेठ जी कलन की, स्वामी प्रभु जी, आज जैसन हमार परीक्षा इस सतयुग में लेत हुआ, वैसन परीक्षा कलयुग में मत ली हाँ किसी को। जब इतना बात का सुनलन सेठ जी, तब भगवान तीनों जानी के, दोनों जानी के बुलौलन, आवाज दिलन, मतारी बेटवा सामने अलन, तीनों जानी के लेके हम लोग चल गएलन। यही जमरे विरहक कहानी समाप्त हो गुरु नानी के पहुंचे। हरि अनंत हरि कथा अनंता गुरु गणेश गुरु गा के स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि बच्चन को गले लगा के। ओ अरे तिजोरी पिंडा पानी ना दई, अरे तिजोरी पिंडा पानी ना दई, बिंदु शिव प्रसाद गावे हथवा के जोरी, तिजोरी पिंडा पानी ना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत नीक, बहुते सुघर। तो विजय जी, दोनों कलाकारन के गीत हमनी के बहुत अच्छा लगल है, लेकिन फैसला, लेकिन दोनों कलाकार लोगन के अपना सरपंच महोदय के सामने हमनी के प्रस्तुत कैल जाई, एकरा पहले छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमनी के हाजिर बानी जा दरबार में, आ दोनों कलाकारन के रुआ से भी सुन ली, देख ली, पूछल चाहब सरपंच महोदय से कि दोनों कलाकार कैसन गौलन। सबसे पहले हीरालाल जी। भैया देखे में सुने में क्यों कहीं से कब नहीं बा, जैसे भगवान दोनों जने के बनौले हन सुंदर सुंदर, वैसे सुंदर गीतों लगल है लोन का, और हमें तो दोनों जने के बहुत अच्छा लगल, क्यों से क्यों कम नहीं बा। बहुत अच्छे पालेश्वर जी। ये दोनों कलाकार भोजपुरी के सिंगार हैं, ये महुआ के लाल हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, जय बल। पिछला हफ्ता में आप लोग देख ली विश्वनाथ यादव जी और गीता त्यागी जी के जनता के तरफ से विश्वनाथ जी के मिलल 95% वोट और गीता त्यागी के मिलल 5% वोट। प्रिया जी। हाँ विजय जी। लगता कि कार्यक्रम समाप्त करे के पड़ी, तो हमने का विदा लहल जाई, अगले भाग में फिर रुवा सबसे मिलल जाई, नया कलाकार नया बिरहा गीत के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, प्रणाम।